Hey everyone, Priyanka Kaur this side. Welcome to my channel. आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. तो आज हम करने वाले हैं गेस्ट पार्टी मेकअप लुक. तो आप देख सकते हो ये मेकअप लुक कितना ही प्यारा लग रहा है. एंड ये मेकअप लुक आप ब्राइड की भाभी, ब्राइड की सिस्टर कर सकती हैं. ये मेकअप बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल लग रहा था. आप देख ही सकते हो कि ये मेकअप कितना सुंदर लग रहा है. तो ये मेकअप स्टार्ट करें, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम टोनिंग कर लेते हैं अपनी स्किन पे. अपने मॉडल की स्किन को अच्छे से टोन करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं. मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से ब्लेंडिंग के बाद, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बहुत कम क्वांटिटी में लेना है क्योंकि समर स्टार्ट हो चुके हैं. उसके बाद हम लेते हैं सीरम. सीरम को अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं. फिर हमने लगाया है प्राइमर. प्राइमर को भी अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अपना आई मेकअप. तो कंसीलिंग कर लेते हैं आईज़ पे. अच्छे से आईब्रो ड्रॉ करते हुए हम अपनी आईज़ को पूरे तरीके से कंसीलर अप्लाई कर लेते हैं आईज़ के ऊपर. कंसीलर अप्लाई करने के बाद हम एक वैट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. आपको पता ही है वैट ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ होता है. उसके बाद हम एक ऑरेंज कलर से स्टार्ट करेंगे. ये एक बहुत लाइट ऑरेंज कलर था, तो ऑरेंज कलर से हमने स्टार्ट किया है. उसके बाद हम ऑरेंज कलर से स्टार्ट करने के बाद एक ब्राउन कलर लेंगे, थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेंगे. वो ऑरेंज के जस्ट नीचे अप्लाई करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. ब्राउन को ब्लेंड करने के बाद हम क्या करने वाले हैं गाइस, अब हम करने वाले हैं जेल लाइनर यूज़. हम करेंगे जेल लाइनर यूज़. पूरी आईज़ पे जेल लाइनर लगाने के बाद हम इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. जेल लाइनर को एक ब्रश से अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे. ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं एवरी टाइम आपको कहती हूँ कि जितना ब्लेंड करोगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको. अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम एक गोल्डन कलर का आई शेडो लेंगे, जिसको हम अपने आई बॉल पर लगाएँगे. थोड़ा सा ज़्यादा फैलाते हुए लगाएँगे. हमारा इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को छोड़ के बाकी पूरे एरिया पे हम गोल्डन कलर अप्लाई कर लेंगे. गोल्डन कलर आप देख सकते हो कि पहले मैंने ब्रश के थ्रू अप्लाई किया है, उसके बाद मैंने फिंगर से अप्लाई किया है. फिंगर से अप्लाई करने में काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन आती है, तो इसलिए मैं फिंगर का यूज़ भी करती हूँ. उसके बाद हमने टू वी जेल अप्लाई किया है और ग्लिटर अप्लाई कर दिया है. तो इसमें हमने डायमंड ग्लिटर भी अप्लाई किया है. उसके बाद मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ आज. वैसे मैं ज़्यादातर स्मोकी आईज़ पे विंग लाइनर ड्रॉ नहीं करती, बट मैंने सोचा चलो ठीक है आज मैं विंग लाइनर ड्रॉ कर देती हूँ. उसके बाद मैंने कंसीलिंग कर दी है. ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ किया है डार्क सर्कल एरिया पे. जहाँ पे पिगमेंटेशन मुझे लगा वहाँ वहाँ पे मैंने ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ किया है. ऑरेंज कैरेक्टर को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं एक वैट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ. उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना फाउंडेशन. गाइज़ आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई जानना चाहता है कि मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी. उसके बाद हम फाउंडेशन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं. ब्लेंडिंग करने के बाद हम अपने हाईलाइट एरिया को कंसीलर से हाईलाइट करेंगे. अच्छे से उसको भी ब्लेंड कर लेंगे. ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ब्लेंड करना है, बस ब्लेंड करना है. लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को आई मेकअप कैसा लगा. इस टाइप की आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊंगी. आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट करके. उसके बाद हमने एक एलेगल का ब्राउन कंसीलर लिया है, डार्क ब्राउन, जिससे हम अपने मॉडल की स्किन को कॉन्टोर कर रहे हैं, आप देख सकते हो. उसके बाद कंटूर करने के बाद हम उसको ब्लेंडिंग कर देंगे. अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो कि मॉडल का इस फेस का टेक्सचर कितना चेंज हो गया है. फिर हमने यूज़ किया है कॉम्पैक्ट पाउडर. पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं लूज़ पाउडर. लूज़ पाउडर को हमने सिर्फ अपने अपने हाईलाइट एरिया पर यूज़ किया है, पूरे फेस पर यूज़ नहीं किया. फिर हम लगा रहे हैं ब्लैक काजल. ब्लैक काजल को हम थोड़ा सा फैला के लगाएंगे, वाटर लाइन से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, वाटर लाइन पे लगाएंगे. हल्का सा हमने ब्लैक काजल को फैला के लगाया है. फिर हमने एक यूज़ किया है डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो, जिसको हमने अपने विंग लाइनर से कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो. फिर हमने यूज़ किया है ब्लैक कलर का आई शेडो, अपना लाइन
काजल को स्मच करते हुए काजल यूज़ किया है, अच्छे से ब्लेंडिंग की है। फिर हमने थोड़ा सा गोल्डन कलर का आई शेडो अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया है। उसके बाद हम अपनी आईब्रो ड्रॉ कर लेते, मॉडल की आईब्रो ड्रॉ कर देते हैं, अपनी अपनी बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। मॉडल की आईब्रो ड्रॉ करने के बाद हम उसे पाउडर कॉन्टोर भी थोड़ा सा देंगे। पाउडर कॉन्टोर से थोड़ा सा और अच्छा सा लुक आ जाएगा, थोड़े से और अच्छे से उभरा हुआ फेस दिखाई देगा, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने ब्लशर अप्लाई कर लिया है। ब्लशर को आज हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है, थोड़ा सा लाइट रखा है। नेचुरल सा ब्लशर यूज़ किया था कि नेचुरल पिंक ग्लो आए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। उसके बाद हम अप्लाई कर लेते हैं मस्कारा। अभी तो आईज़ का मेकअप बड़ा बाकी है, आप देखिए। मस्कारा अप्लाई करने के बाद हमने लैशेज अप्लाई कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं आईज़ का मेकअप हो गया है डन। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर हमने मेकअप फिक्सर अप्लाई करने के बाद ही हाइलाइटर यूज़ किया है। मेकअप फिक्सर यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, हाइलाइटर से पहले मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद हमने लिप्स को एक लिप लाइनर से ड्रॉ कर लिया है ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए लिपस्टिक लगाने की। उसके बाद हमने एक रेड कलर का लिपस्टिक यूज़ किया है क्योंकि मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि उसको थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए, न्यूड शेड नहीं लगाना। दैट्स वाई रेड कलर अप्लाई किया है। रेड कलर भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, आप देख सकते हो। तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप इसको रिक्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेकअप बाय प्रियंका कौर। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय।